नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, ये इन्फॉर्मेशन डिग्री पार्ट टू के उन तमाम छात्रों के लिए है जिनका सेशन 2018 से 21 है। दोस्तों, यूनिवर्सिटी के तरफ से डिग्री पार्ट टू के छात्रों के जिनका सेशन 2018 से 21 है और एग्जाम उनका 25 नवम्बर से होने वाला है, तो उनका एडमिट कार्ड जो है वो यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पर जारी कर दिया है। तो आप लोगों को कैसे डाउनलोड करना है इस वीडियो के माध्यम से यही चीज़ बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए, आप अपना एडमिट कार्ड यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट से कैसे डाउनलोड करेंगे इसके बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, मिथिला यूनिवर्सिटी के तरफ से जो डिग्री पार्ट टू के छात्रों का एडमिट कार्ड जारी किया गया है, उसे डाउनलोड करने के लिए आप अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर को ओपन करिएगा, सर्च बार में टाइप करिएगा LNMU, जैसा आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं मैंने यहाँ पे टाइप करके, और उसके बाद सर्च कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही सर्च करिएगा तो आपके सामने कुछ अगला इंटरफेस इस प्रकार से देखने को मिलेगा। आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट जो रिजल्ट देखने के लिए या ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो वो www.lnmuuniversity.in है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इस पर आपको क्लिक करना है, इसके बाद यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल साइट जो है वो ओपन हो जाएगा। वैसे इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। ठीक है, इसके बाद आपको नीचे आना है। ठीक है, देख सकते हैं नीचे, और नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पे 16/11/2020 को ये एडमिट कार्ड ऑफ यूजी पार्ट टू इज अवेलेबल का नोटिस आ चुका है, और नीचे आना है यूजी पीजी सेक्शन में। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं न्यू अपडेट में क्लिक हेयर फॉर यूजी पार्ट टू एडमिट कार्ड, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद जो है आपको पार्ट टू वाला रोल नंबर टाइप करना है इसमें, तो रोल नंबर वही रोल नंबर होता है जो पार्ट वन में रोल नंबर आपका होगा। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर 3 साल के लिए, अर्थात पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री, तीनों साल के लिए सेम ही रहते हैं। तो इसे आप लोगों को यहाँ पे अपना रोल नंबर जो है आप पार्ट वन के एडमिट कार्ड से मिला लीजिएगा और यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। तो चलिए, मैं एक स्टूडेंट का रोल नंबर यहाँ पे टाइप करता हूँ। ठीक है, एक स्टूडेंट का रोल नंबर है 19/31/70/70/15/20, तो मैं यहाँ पे टाइप कर दिया हूँ। ठीक है, इसके बाद सर्च कर देना है। जैसे सर्च करिएगा तो अगला इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जैसा आप लोग देख सकते हैं। अब आप लोगों का एडमिट कार्ड जो है वो यहाँ पे शो अप हो गया है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा कि क्या क्या कौन सा सेंटर हुआ है, आपको सभी चीज यहाँ पे दिखा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद इसे आपको डाउनलोड करना कैसे है, तो देखिए प्रिंट करना है या डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे नीचे में आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक हेयर टू प्रिंट एडमिट कार्ड, तो इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड जो है वो दिखाई दे देगा। ठीक है, यही एडमिट कार्ड पे साइन मोहर करवा के आपको कॉलेज में जाना है एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पीडीएफ फाइल में मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ, क्योंकि मैं अभी प्रिंटर में इसे प्रिंट नहीं करूंगा, बाद में इसे प्रिंट कर लूंगा। ठीक है, तो आप इसे पीडीएफ फाइल में भी डाउनलोड करके रख लीजिएगा, और डाउनलोड करके रखिएगा तो इससे ये होगा कि आपका एडमिट कार्ड अगर खो भी जाता है ना, तो फिर से आप उसको प्रिंट करके और कॉलेज में जा करके साइन मोहर करवा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया कि आप अपना एडमिट कार्ड यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट से कैसे डाउनलोड करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।